Hi kids, I welcome you all to my channel Teddy Bear. Hope all of you are good, fit. Okay, so it's a story time, Fish Rain. Have you ever heard about this story? No? So let us begin this story. Are you eager to listen? This is the story about a farmer Shyam और उसकी पत्नी रजनी। तो हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था, बहुत ही सुंदर, हरा भरा। वहाँ पर एक हट में फार्मर अपनी वाइफ के साथ रहता था और वो बहुत सुंदर गांव था और उसका एक खेत था। तो श्याम डेली अपने खेत में जाता था और वहाँ पर सारी फसलों को वो देखभाल किया करता था। और जो उसकी पत्नी थी रजनी, वो घर का काम निपटा के पड़ोस के लोगों के पास चली जाती थी और कभी किसी की बात किसी को, कभी किसी की बात किसी को ऐसे करती थी, जिससे फार्मर बहुत परेशान था कि मेरी वाइफ हर एक बात को दूसरे लोगों के साथ क्यों शेयर करती है। वो कोई भी सीक्रेट नहीं रखती है और वो इसी तरह गॉसिप करती रहती है। लेकिन वो फार्मर अपने खेत में रोज काम करता। एक दिन काम करते करते उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। उस घड़े के अंदर जब उसने खोल के देखा तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई, बिकॉज इट हैड लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब फार्मर को लगा कि इतना भारी मटका तो मैं नहीं उठा सकता, अब इस पॉट के लिए मैं क्या करूं? तो उसने बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया कि आज मैं सॉइल के साथ दोबारा इसको यहीं पर ही गाड़ देता हूँ और जब मैं कोई नेक्स्ट मेरे पास कोई उपाय आएगा देन आई विल सी हाउ टू कैरी इट, मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा। तो ये सोचकर वो अपने घर की तरफ चल दिया, उस पॉट को वहीं छोड़कर। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो वहां पर वो सोचने लगा, अगर अपनी वाइफ को बताऊंगा तो वो सबको बता देगी, तो मैं उसको तो ऐसे बता नहीं सकता। फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया। उसके लिए वो मार्केट में गया। वहाँ मार्केट में जाकर उसने सोचा कि मैं यहाँ से थोड़ा सामान परचेज कर लेता हूँ। तो उसने मार्केट जाकर थोड़ा सा रेड पेंट और थोड़ी सी फिशेस परचेज कर ली एक दुकानदार से और उनको उसने कैरी करके अपने फील्ड में लेकर गया। एंड ही स्कैटर्ड द फिशेज एंड द रेड पेंट विच ही हैज डिसॉल्व्ड इन द वाटर एवरीवेयर, और उसने अपने पूरे फील्ड में उसको स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया और वो वापस घर आ गया। घर आकर उसने अपनी वाइफ को बोला, सुनो हमारे खेत में फिशेस की बारिश हुई है, रेड कलर का पानी आया। फिर उसने अपनी वाइफ को वो पॉट दिखाया जिसके अंदर रेड कलर की फिश थी। उसकी वाइफ हैरान हो गई। रजनी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? उसने बोला, सब कुछ हो सकता है, चलो इसको लेकर हम घर चलते हैं। और उन दोनों ने उस पॉट को उठाया और घर ले आए। अब उसने अपनी वाइफ को बोला, देखो रजनी ये बात किसी को भी मत बताना। तो उसने बोला, हाँ हाँ मैं क्यों बताऊंगी। तो फार्मर ने उसको बोला, देखो मैं इस पॉट को छुपा देता हूँ। तो जैसे ही रजनी सोई उसने उस पॉट को छुपा दिया। और फिर उसकी वाइफ ने पूछा कि वो पॉट कहाँ है, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम है। अब उसकी वाइफ को ये लगा कि चलो क्यों ना मैं ये बात बच्चों को बता दूं। उसने अपने बच्चों को बताई और फिर उसने औरों को भी बताई, लेकिन बाद में किसी ने उसकी बात को बिलीव ही नहीं किया क्योंकि हर कोई उसको देखकर हंसकर कहने लगा, अरे फिशेस की भी बारिश होती है कहीं? फिशेस की बारिश तो कहीं भी नहीं होती, हमारे गांव में तो हुई नहीं, तो आपकी फील्ड में ही कैसे हुई? अब इसका क्या मॉरल है? इसका मॉरल ये है कि हमें अपना सीक्रेट कभी भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। सीक्रेट इज ऑलवेज अ सीक्रेट। तो बच्चों यहाँ से मॉरल सीखकर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। टिल देन बाय बाय।